रक्षाबंधन पर सरकार ने जारी किया एक ऐसा फरमान कि हो गया बहुत बड़ा बवाल। लोगों की नाराजगी हुई और फिर विद्रोह के बाद सरकार को लेना पड़ा रक्षाबंधन वाला आदेश वापस। आखिर सरकार ने ऐसा कौन सा आदेश जारी किया था जो उसे वापस लेना पड़ा, तो पूरी खबर जानिए। दरअसल इस बार 7 अगस्त की तारीख को रक्षाबंधन है। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में रक्षाबंधन पर एक ऐसा सरकारी आदेश आया जिससे लोग बेहद नाराज उठे। दरअसल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने रक्षाबंधन को लेकर जारी आदेश में कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर सरकारी छुट्टी नहीं होगी, तमाम दफ्तरों में महिला कर्मचारी अपने सहकर्मियों को राखी बांधेंगी। सरकार की ओर से जारी फरमान में ये भी कहा गया था कि चूंकि रक्षाबंधन के दिन छुट्टी नहीं है, लिहाजा 8 अगस्त को सबकी अटेंडेंस रिपोर्ट चेक की जाएगी। इस आदेश को राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी भेज दिया गया था, लेकिन जब यह अजीबोगरीब आदेश दफ्तरों तक पहुंचा तो दफ्तरों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने इस पर खूब बवाल मचाया। आखिर दफ्तर में काम करने वाले लोग एक दूसरे को राखी कैसे बांध सकते थे। विवाद उठने के बाद सरकार को भी गलती का एहसास हुआ और फिर आनन फानन में सरकार ने यू टर्न लेते हुए अपने आदेश को वापस ले लिया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।